हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है आज हम लोग जानेंगे कि इम्पिडेंस मैचिंग क्या होता है और वोल्टेज फॉलोवर का यूज करते हुए इम्पिडेंस मैचिंग हम लोग कैसे करते हैं और लोडिंग प्रॉब्लम कैसे एलिमिनेट करते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि वॉट इज इम्पिडेंस मैचिंग इम्पिडेंस मैचिंग क्या होता है

या जो भी करस्पॉन्डिंग सिग्नल सोर्स लगा हुआ होगा उसका आउटपुट इंपिडेंस को डिजाइन करना ताकि हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सके किसमें लोड में या फिर जो रिफ्लेक्शन होता है सिग्नल का लोड से उसको मिनिमाइज कर सके तो इस प्रोसेस को हम लोग इंपीडेंस मैचिंग बोलते हैं या जनरल वे में आप इसको बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कराने के लिए जब हम लोग सोर्स इंपीडेंस को या फिर लोड इंपिडेंस दोनों में से एक को एडजस्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को इम्पिडेंस मैचिंग बोलते हैं मैचिंग पढ़ने से पहले को लोडिंग प्रॉब्लम पता होना चाहिए क्योंकि लोडिंग प्रॉब्लम एलिमिनेट करेंगे तभी इम्पिडेंस मैचिंग कर पाएंगे तो देखते हैं व्हाट इज लोडिंग प्रॉब्लम तो यहाँ हम लोगों ने एक सर्किट लिया है इस सर्किट में तीन सब सर्किट्स हैं सर्किट नंबर वन सर्किट नंबर टू एंड सर्किट नंबर थ्री जो है सब सर्किट्स हैं। तो अब मान लेते हैं कि हम लोग को वोल्टेज ट्रांसफर करना है सर्किट वन से सर्किट टू में और सर्किट टू से सर्किट थ्री में तो इस प्रोसेस में कोई भी वोल्टेज लॉस नहीं होना चाहिए इंटरफेस पे अगर वोल्टेज लॉस होता है एट द इंटरफेस तो उस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं लोडिंग प्रॉब्लम ठीक है अब इस लोडिंग प्रॉब्लम को कैसे एलिमिनेट करें क्या होता है एक्चुअल में तो इसको सर्किट से समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू तो दो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लोग फर्स्ट एग्जाम्पल ये है इसमें हम लोगों ने एक लिया है जिसमें R1 और R2 जो है, 10 किलो ओम है और ये पोटेंशियल डिवाइडर्स है तो मान लेते हैं कि जो वोल्टेज एक्रॉस आर टू है वो V डैश है ठीक है अब हम लोग बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज V डैश अक्रॉस R2 निकाल लेते हैं, V डैश क्या होगा? VCC इनटू R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1 होगा, ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, 15 वोल्ट इनटू 10 के डिवाइडेड बाय 10 के प्लस 10 के, सो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा V dash? 7.5 वोल्ट आ रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो R2 है, रेजिस्टेंस R2 है इसके अक्रॉस ये लोड रेजिस्टर आर एल जो 10 के ओम लिए हम लोग हैं, उसको लोम लिए देते हैं तो इसके लिए टर्मिनल ए को C के साथ और बी को डी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इस तरह का कुछ कंफिग्रेशन दिखेगा हम लोग का यहाँ पे R2 जो है पैलर विथ लोड रेजिस्टेंस आर एल आ गया है अब फिर से हम लोग R2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं जो कि V डैश है अब वीड जो है आर टू और आर एल दोनों में आएगा मतलब आर टू पैर आर एल कॉम्बिनेशन में वीडियो होगा तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आर टू पैर आर एर कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं ये क्या है 10K विद 10K है तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है फाइव ओम अब फिर से बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल वी डैश निकालते हैं वी डैश इज इक्वल टू वी सी सी आर टू पैरलर आर एल डिवाइडेड बाय आर टू पैरलर आर एल प्लस आर वन हो जाएगा क्योंकि अब वी डैश क्या है दोनों के कॉम्बिनेशन में दोनों के पैरलर के कॉम्बिनेशन में इसीलिए हम लोग ऐसा लिए हैं तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं फिफ्टीन इंटू फाइव के डिवाइडेड बाय फाइव के प्लस टेन के इसको सॉल्व करेंगे तो वी डैश कितना आएगा फाइव वोल्ट तो पहले जब आर एल कनेक्ट नहीं हुआ था तब वी डैश क्या आया था 7.5 वोल्ट अब जो न्यू वाला आ रहा है भी डैश, वो कितना आ रहा है 5 वोल्ट तो यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है देखिए तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसी को हम लोग लोडिंग प्रॉब्लम बोलते हैं ठीक है तो जब हम लोगों ने आट आटो के साथ आर कनेक्ट किया जैसे ही हम लोगों ने R2 के साथ आर कनेक्ट किया तो ये जो वोल्टेज Across R2 है ये ड्रॉप हो गया और कितना हो गया 5 वोल्ट हो गया 7.5 पॉइंट वोल्ट से 5 वोल्ट हो गया तो इसी को लोडिंग प्रॉब्लम बोलते हैं ये क्यों होता है जब हम लोग रजिस्टेंस में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है कम होती है ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं वी इज प्रोपोर्शनल टू आर तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो वोल्टेज की वैल्यू भी कम हो जाएगी इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप यहां पे आ रहा है ठीक है तो इसको बोलते हैं लोडिंग प्रॉब्लम अब इसको एलिमिनेट करने के लिए एक तरीका है कि हम लोग R1 और R2 को चेंज करके वन किलोम कर दें यहाँ पे देखिए मैंने कर दिया अब R2 टू पैलर आर का कॉम्बिनेशन निकालते हैं अब R2 क्या है वन के है पैलर विथ आर एल टेन के ही है तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये वन किलोम आता है अप्रोक्सीमेटली अब फिर से R2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालिए V डैश बाई वोल्टेज डिवाइडर रूल वी डैश इज इक्वल टू फिफ्टीन इन टू अब क्या आ जाएगा वन के डिवाइडेड बाय वन के प्लस वन के आर वन भी वन के है तो यहाँ से हम लोग को क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी तो ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वी डैश सेवन पॉइंट फाइव वोल्ट मिलेगा तो वी डैश जो है अप्रोक्सीमेटली सेवन पॉइंट फाइव वोल्ट मिल रहा है तो अगर हम लोग को लोड को सेवन पॉइंट फाइव वोल्ट ही ट्रांसफर करना है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे पोटेंशियल डिवाइडर के रेजिस्टेंसेस को चेंज कर देंगे तो यहां से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि इस तरह से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इंपिडेंस मैचिंग बोलते हैं तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस जो है किसका रेजिस्टेंस सोर्स का रेजिस्टेंस या फिर जहां से वोल्टेज आ रहा है वहां का रेजिस्टेंस जो है कम होना चाहिए और जहां वोल्टेज जा रहा है मतलब लोड का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए यहां से हम लोग को ये दिख रहा है ठीक है अब अगर हम लोग के पास चॉइस ना हो कि हम लोग सोर्स रेजिस्टेंस को या लोड रेजिस्टेंस को चेंज कर सके यानी कि पोटेंशियल डिवाइडर के रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को और लोड रेजिस्टेंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं ऐसा चॉइस हम लोग पास अगर नहीं होता है उस केस में हम लोग वोल्टेज फॉलोवर का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे पोटेंशियल डिवाइडर और लोड रेजिस्टेंस आर के बीच में वोल्टेज फॉलोवर सर्किट लगा देंगे तो यहां पे क्या है आउटपुट में वोल्टेज फॉलोवर के आउटपुट में हम लोग लोड को कनेक्ट करेंगे इस तरह से तो अब देखिए ये जो वोल्टेज फॉलोवर होता है इसका इनपुट इंपेंस क्या होता है बहुत हाई होता है मतलब इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है बहुत ज्यादा आइडियली कितना होगा आइडियली ये होगा इनफिनिट ठीक है अब आइडियली ये इन्फेनाइट है तो यहां पे क्या होगा R2 जो रेजिस्टेंस है वो किसके पैरलर में आ जाएगा आर इन के पैरलर में आ जाएगा जो कि इन्फिनाइट है तो इन लोग का पैरलर कॉम्बिनेशन निकालते हैं R2 is equal to R2 is equal to 10 तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये जो पैर कॉम्बिनेशन है इक्वल टू कितना आता है टेन के ही आता है तो अगर अब ये वोल्टेज वीडिय निकालते हैं V डैश इज इक्वल टू क्या होगा VCC into 10K, इनका पैर कॉम्बिनेशन लेना है ना 10K के डिवाइड बाई टेन के प्लस टेन के तो ये कितना आ जाएगा सेवन पॉइंट फाइव वोल्ट आ जाएगा तो ये डिजायर्ड वोल्टेज आ गया हम लोगो की सेवन पॉइंट फाइव वोल्ट हम लोग को चाहिए था सेम पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट से जो हम लोग लोड को ट्रांसफर कर सके तो यहाँ पे 7.5 पॉइंट वोल्ट आ जाएगा अब जो वोल्टेज फॉलोवर है उसमें क्या होता है आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज होता है तो यहाँ पे ये विडेस जो है ये इनपुट वोल्टेज है इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का तो बाय वर्चुअल शॉर्ट सर्किट यहाँ पर भी 7.5 वोल्ट होगा यहाँ पर भी 7.5 वोल्ट आएगा

अब हम लोग फिर से यहाँ पे वी डैश निकाल लेते हैं वी डैश क्या हो जाएगा बाई वोल्टेज डिवाइडर रूल वी डैश इज इक्वल टू वी सी सी इन टू यहाँ पे वी सी सी हम लोगों ने क्या लिया टेन वोल्ट चेंज कर दिया वी सी सी इंटू आर टू आर एल डिवाइडेड बाई आर टू RL आर एल प्लस आर वन आएगा तो values put तो तो कर देते हैं हैं जब हम लोग इसको करते हैं, तो v कितना पॉइंट जीरो नाइन एट वोल्ट जो कि नाइनटी एट मिली वोल्ट के बराबर होता है तो जैसे हम लोग आर एल को आ टू के अक्रॉस ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग का वोल्टेज जो है कम आ रहा है मतलब 98 एट मिली वोल्ट आ रहा है तो मान लीजिए हम लोग को लोड को 5 वोल्ट volt वोल्टेज देना है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे उस कंडीशन हम लोग एक वोल्टेज फॉलोवर कनेक्ट कर देंगे पैरलर विथ वोल्टेज फॉलोवर कनेक्ट करेंगे इन बिटवीन पोटेंशियल डिवाइडर और लोड के बीच में एक वोल्टेज फॉलोवर कनेक्ट कर देंगे अब मान लेते हैं इससे पहले हम लोगों ने इनपुट रेजिस्टेंस कितना लिया था इनफनाइट लिया था अब लेते हैं इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर हंड्रेड मेगा ओम ठीक है 100 अब ये हंड्रेड मेगा ओम जो है आर टू के पैरलर में आ जाएगा इस तरह से हंड्रेड मेगा ओम ये पैरलर में आ जाएंगे दोनों और आर टू क्या है टेन के तो हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आर टू पैरलर आर इन इज इक्वल टू टेन के पैरलर हंड्रेड मेगाओम इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आएगा टेन किलो ओम ही आएगा तो अब हम लोग यहाँ का वोल्टेज वी डैश निकालते हैं बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल वी डैश इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज मतलब वी सी सी इंटू आर टू पैरलर आर इन कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय आर टू पैरलर आर इन प्लस आर वन हो जाएगा तो जब वैल्यूज पुट करेंगे वी डैश इज इक्वल टू टेन इंटू टेन के डिवाइडेड बाय टेन के प्लस टेन के तो ये कितना हो जाएगा फाइव वोल्ट आ जाएगा ठीक है तो वी डैश कितना आ रहा है वोल्ट आ रहा है तो यही रिक्वायर्ड वोल्टेज था जो हम लोग को लोड को अप्लाई करना था तो यहाँ पे वोल्ट वोल्ट आया ये ऑपरेशनल के इनपुट में भी 5 volt गया बाय वर्चुअल शॉर्ट सर्किट यहाँ पर भी फाइव वोल्ट आएगा यहाँ से यहाँ गया तो ये भी फाइव वोल्ट आएगा मतलब आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज इक्वल टू वी डैश इक्वल टू फाइव वोल्ट तो ये फाइव वोल्ट जो है आर एल के अक्रॉस आ जाएगा तो इस तरह से हम लोग इंपडेंस मैचिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज फॉलोवर सर्किट विदाउट डिस्टर्बिंग द रेजिस्टेंसेस ऑफ सोर्स और रेजिस्टेंस ऑफ लोड तो हो फ्रेंड्स आपको टॉपिक समझ में आया होगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स